बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें दो ऐसे मेहमानों ने ज्वाइन किया है जो कि अपनी मिसाल आप हैं। पहली मेहमान हमारी एक ऐसी बच्ची हैं जिन्होंने साबित किया कि खुदा अगर कोई टैलेंट देता है तो उस टैलेंट का रास्ता कोई नहीं रोक सकता है, और दूसरे ये कि फ़ीमेल होते हुए, एक बच्ची होते हुए उन्होंने अपना एक मकाम बनाया है और बड़े बड़े जो शोबे के माहरीन हैं उनसे भी दाद वसूल की है। हमारे साथ मौजूद हैं हादी हाशमी। हादी क्या बात, सुपर बेटा, तुम तो बहुत ही छोटी हो यार, कम से। हाँ जी, मैं 14 की हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। शाह जी, ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कब से गा रही हो? When I was, I think so, 8 years. हो। शाह जी, दुनिया में आते ही बच्चा ओया करता है ना, इसने आ किया। और दूसरे मेहमान मेरा एक ऐसा भाई जिनके साथ मैंने भी बहुत काम किया, और खूबसूरत इंसान, खूबसूरत कोलीग, और ये थिएटर में होते हैं तो वहाँ कामयाबी की जमानत है। क्या बात? जब शोज में होते हैं टेलीविजन के, वहाँ कामयाबी की जमानत है। जब ये फिल्म में जाते हैं तो ये वहाँ कामयाबी की जमानत होते हैं। वन एंड ओनली सखावत नाज। क्या कहने, क्या कहने। हमारा, हमारी इंडस्ट्री का फख्र है, पाकिस्तान का फख्र है, मिजाह का फख्र है। क्या बात, में सहावत का नाम भी। वाह वाह, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। लेकिन ये सारी चीज़ें ना तुम मैंने लिख के दे दो ताकि मैं सनद के तौर पर घर ला सकूं। शाह जी ने मैनू क्रेडिट देता है तो मेरे वास्ते किसी अवार्ड तो घट नहीं। क्या आप अपने फन के माहिर हैं, इसमें कौन सी दो राय है? बल्कि शाह जी, मैं समझता हूँ कि अमानुल्लाह साहब के बाद, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, सहावत नाज साहब के पास ऐसा जुमला है जिसमें पावर है। क्या बात है, मैं तो यकीन करें कि अपना काम करने से पहले सहावत नाज साहब का फैन था। यार, ये मुझे बड़ी खुशी हुई और आज भी चांद की बात सुनकर भी बहुत खुशी हुई। मैं चांद को भी दाद देना चाहूँगा कि अपने शोबे के, अपने कोलीग को इस तरह से फराख दिली के साथ दाद देना जो है, यही रवैया हम सबको इख्तियार करना चाहिए। चांद भाई ने जो बात की अमानुल्लाह साहब, और मैंने उनकी खिदमत इतनी की है ना, वाह, ये उनसे दुआएं मिली हैं वरना कुछ भी नहीं है। उन्हीं का सारा कुछ है जो वो कर गए। बब्बू बराल साहब, अमानुल्लाह साहब, मस्ताना साहब, तारक जवेद साहब, अलबेला साहब, मतलब ये जितने बड़े लोग हैं, इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला तो मैं अपनी खुश नसीबी भी समझता हूँ। और मैंने उस हालात में खिदमत की है जब अपने बच्चे भी कहते हैं कि अब्बा जी जरा मुंह तो लो फिर मैं आना, लेकिन मुझे पता नहीं वही दुआएं लगी। एक जगह अमान साहब को आपने ड्रॉप भी बहुत किया। जी जी है ना, अमान साहब तो मेरे साथ ना एक उनकी मतलब शरारत भी चलती थी, तो जब एक शो कर रहे थे हम तो अमानत को फोन करके, अमानत करो बाहर ना निकले तो पपाओ था। अमानत उनका बेटा है ना। हाँ जी, गाड़ी अंदर लगा दो, सखावत मुझे छोड़ देगा। मैं जो देखे मैं अपने काम जाना, फिर वड्डे ने इनकार थोड़ा होना था, सबके सारियां गड्डियां मिली हैं सर, कितने जाना कर धर्मपुर ला दी। मैं ठीक है ला के, अगले दिन फिर अमानत करो बाहर ना निकली, दरवाजा पिछो खोलिया अपना बैग चुकया, छापर चुकया, बोतल पानी दी, फिर हो फिर वेख रहे ने। अमानत चंद कहिंदा अमान साहब कुछ रह तो नहीं गया? कहिंदा नहीं, मैं वेख रहा तेरी केड़ी चीज चुक। ये अमान साहब वो हस्ती हुए हैं कि लास्ट टाइम तक
उनकी यही कोशिश रही कि जो सामने वाला उसको मैं उसको हंसा दूं बीमारी के आलम में। ठीक है, हॉस्पिटल च भी जिथे भी उन्हों की कोशिश यही रही कि मैं हंसा दें। लास्ट टाइम उन्होंने मिलन जो गया कहते सुहावत नसीब मैंने फिक्कियां सब्जियां जो वेले ने अंदर पालक गोश्त खान यार रहमान साहब की एक बात मुझे बड़ी मज़े की लगती है जी। वो अपनी साहबजादी उनकी साहबजादी से सुना मैंने किसी टीवी के शो में, बड़े मज़े की बात, पहले भी सुनी थी मगर उनकी बेटी ने कहा, कहने लगी एक दिन मैं बहुत परेशान थी तो अब्बू से मैंने कहा कि भी बहुत परेशान हूँ, तो अब्बू कहने लगे कि कोई गल नहीं बेटा परेशान नहीं हुई था ए शुरू देना जिंदगी 60-70 साल ही मुश्किल हो। मैंने जी मेरा ताल्लुक चूंकि गुजरात से है तो इमान साहब के सामने मैं आया हूँ तो जोगी वाला कैरेक्टर बड़ा हिट हो गया, लोग बड़ा पसंद कर लग पे। इमान साहब हूँ मैं दाद देन के चक्कर से कह रहे कहें पुत्र हूँ तेन बाहर निकलना लोग जोगी जोगी समझते हैं, याद करो वक्त जो तू राम तलाई चौक च खलो के कहता सा ए सड़क लाहौर जाती। जितने बड़े फनकार हुए ना शाह जी इनके साथ काम करना मैं मेरे लिए किसी क्रेडिट से कम नहीं, कुछ रिवार्ड से कम नहीं। बबू भराल साहब और रमानुल्लाह साहब ये सेट पे ये बात मुझे कह रहे हैं कि तू सानू सेट पे हंसाना है, वाह शाह जी ये छोटी बात नहीं। बहुत बड़ा, अच्छा ये सखावत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम भी हर शोबे में ये होता होगा, हमारे बड़े सीनियर जो सारी जिंदगी ये ख्वाहिश रही कि जब मुशायरा पढ़ते थे बाज़ूकात ऐसा होता था अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत अल्लाह का एहसान है कि बस लगता था छत फट जाएगी ना बाद होता है कुछ दिन आपका दिन होता है दाद मिल रही है, मगर हमेशा ख्वाहिश होती थी कि यार फराज साहब बैठे हैं, जॉन एलिया बैठे हैं, अमजद भाई बैठे हैं, कोई यार ये 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 वो दाद जो है ना क्योंकि उधर 5,000 लोगों का कहना इधर एक बंदे का कहना उससे भी बड़ा बड़ी बात है। यस फिर दुआएं दुआएं शाह जी वो होती है जो लीन अजय निकले, क्या कहने यूरोप हम टूर के लिए गए मानुल्ला साहब और जब्बी साहब के नाल सफर तुम्हें पता सफर ही सफर होता है, फिर यूरोप का शेंगेन वीजा एक वीजा लग गया ग्रीस तो लैके नॉर्वे तक उन्होंने फराना ही फराना सानू 14 घंटे का सफर 12 घंटे का तो थक गए ने तो सुते पे हैं जाके शो किया तो 2 घंटे बाद फिर उठा ले उठो जी चलिए उठो अगे शो तो नहीं जाना इतने सुते पे पब्लिक तो अडीकंड ही फंबल हो गए ना 4-5 बारी अडीकंड ही उठो मान साहब ने हूँ घर आए तो उंबल नहीं दिता तो लै आए लिया के एयरपोर्ट से गए एयरपोर्ट से बिछा के फ्लैट अजे 2 घंटे लेट एयरपोर्ट से बिछा के तो अंग्रेज का दफ्तर एक्सक्यूज मी दिस प्लीज साइड खिंच के बिस्तरा परन लग गए तो मैं भी मैं थके ने तो यह भी शाह जी एक दुआ है मैंने मेरे वास्ते उन्होंने मैं आके ना एवं कुटन लग पे मैं लत्तों दिल हाथ लाया तो सुकून होया तो इंज कंबल चुके कहते सुखावत मैं क्या जी हिट तो नहीं होना चाहता मैं क्या जी फिर कह दिया कहना ही है शाह जी उस टूर तो बाद अल्लाह की रहमत वापस जो मैं आया ना फिर मैं नहीं पता लगा कि वो क्या कहते सुखावत फिर फड़ाई नहीं दिता हाँ जी कहने कहने चढ़दा सूरज है तू साडे चैनल दे मालक सन उन्होंने कहते सुखावत नु कादे पैसे देंदे मैंने तो जुगत करन दी आदत है अच्छा अमान साहब की ना माशरे के जो मुख्तलिफ रवैये हैं हमारे उसके ऊपर बड़ी नज़र होती थी ना बड़ी बारीक नज़र होती थी ठीक है जैसे मैंने उनका एक टुकड़ा देखा किसी प्ले में तो गुजर रहे हैं तो एक आदमी बड़ा ईजी होकर बैठा है ठीक है अब हमारा जो माशरा है उसमें जो जिम्मेदारियाँ होती हैं भाइयों के ऊपर और यू नो उसके उस हवाले से कहने लगे उठो तू तो यहीं बैठे हैं जिमें 6 पहनावे आ बैठे ऑब्जर्वेशन थी ऑब्जर्वेशन बड़ी थी वो मतलब मैंने तो बाहर के सफर भी बहुत की एयरपोर्ट पे बैठे हैं ना तो वो देख रहे हैं दाएं बाएं क्या हो रहा है तो नाल मैनू ना कोणी मार के कहंदे ओ वेखो वेखो अंग्रेजा दा स्टाइल की ते साडा उत्थे की ओ ए करते हुंदे सन हुण गल की कर रहे कहंदे पिंड च एडी सख्त कुल्फी मिलदी ओ जिहड़ी रेहड़ी च मिलदी हुंदी बर्फ वाली कुल्फी कहंदे दंदियां वड्डो टुटदी नहीं फिर बच्चा घर लिया के ना ताला मार के तोड़ता ताला जो ताला पेटी ना लगा कहते उन्हें तोड़नी अद्धी कुल्फी पेटी थले वड़ गई अद्धी बच्चे दे हाथ च रह गई ए हुण सच्ची गल है शाह जी ये बनी नहीं एक वेखी होएगी तो वो फिट होएगी। ये बताइए कि 8 बरस की उम्र से आपने गाना शुरू किया है ना मगर ये जो इससे कहें कि प्रोफेशनली या बाकायदा मीडिया में या शोज में ये कब से शुरू किया? मैंने तकरीबन तब 6 साल की थी नातों से शुरू किया था मैं। माशाल्लाह। तो मैं ट्रांसमिशन भी करती थी। हाँ जी नातों से स्टार्ट किया था टीवी पे टीवी पे ठीक है
तो फिर ना एक प्लेटफॉर्म से मुझे कॉल आई कि हादिया हम आपका ऑडिशन लेना चाहते हैं। उन्होंने कहीं सुन लिया होगा मुझे नाते पढ़ते हुए। तो जब मैंने ऑडिशन में उनको सर से ज्यादा अली का सॉन्ग सुनाया तस्वीर बना के, तो जी जो प्रोड्यूसर थे उनका नाम था जुल्फकार जब्बार खान। सर जुल्फी इतने नाइस पर्सन है, वो मेरा गाना सुनकर रोने लग पड़े। तो उन्होंने मुझे उसी वक्त सिलेक्ट कर लिया। उन्होंने एक बात कही थी मुझे कि हादिया मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सॉन्ग बना रहा हूँ जिससे पूरी दुनिया सुनेगी। वाह। और उससे पहले उन्होंने ये कहा था कि हादिया पहले मैं यहाँ पे कुछ और सोच के आया था, पर अब मैं कुछ और करूँगा। तो वो सॉन्ग जो मेरा था बोल हूँ, उसके 30 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हो गए। और मेरे ख्याल में हमारी जो यूथ है नजफ, उसको ये बात सीखनी चाहिए कि अपने टैलेंट को पहचाने। खुदा ने आपको कोई ना कोई हुनर देके भेजा है, जरूरी नहीं कि आर्ट के हवाले से हो, आप में कोई मैनेजमेंट की स्किल हो सकती है, कुछ और स्किल हो सकती है, उसको पहचाने। और अगर हादिया कर सकती हैं तो फिर कोई भी कर सकती है। तगाल भाई, ये आपके जो सीनियर्स थे, इनमें एक खास तरह का रुझान था, सबका तो नहीं मगर बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने कई कई शादियां की। अमान साहब का जैसे भी जिक्र हुआ, मगर आपने, आप एक ही शादी पर इक्तफा कर, पता नहीं लगा। अच्छी बात है ये, किसी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। मुझे लगा इसकी तारीफ करनी चाहिए। तारीफ भी करनी चाहिए, लेकिन ये बड़ों से भी सीखा कुछ। बड़ों ने काफी सारी की थी, दो तीन शादियां जिसने भी की उसको शादी मैंने सुख ही नहीं देखा। अच्छा, ये सीखा। क्या सखावत फर्क महसूस किया आपने एक शादी वाले में और दो और तीन और चार वाले? यही किया कि बस ये एक तरफ है, ठीक है। नहीं, मैं चाहूंगा कि जरा आप अपनी ऑब्जर्वेशन से बताएं कि इसकी एक शादी उसकी क्या जिंदगी होती है, दो है तो क्या है, तीन है तो क्या है, चार है तो क्या? सर ये अमान साहब के कहना कि दो शादियां वाले दी मां नहीं मरदी। मैं क्या जी, ओ कि मैं कहंदे इकलो जावे तो कहंदी आ गया उस मान लो। ये भी उनकी मतलब ऑब्जर्वेशन की बात है। ये क्या बात है नाज़रीन, स्टे विद अस, स्टे विद अस। छोड़ दे वक्फे के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं हादिया हाशमी एंड वन एंड ओनली सखावत नाज़। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक, वेलकम बैक नाज़रीन जबरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं हादिया हाशमी और सखावत नाज़ साहब। नजफ, आप कुछ पूछना चाह रही थी सखावत जी? बिल्कुल। अच्छा सखा ओ शाह जी, नहीं पूछा जाना उधर को। क्यों? क्या? क्योंकि कशिश ही ऐसी कि बंदा फमल हो जाता है। कुछ भी पूछ लो, बल्कि मैं आपसे पूछ लेता हूँ। 500 रुपए है आपके पास? बेचो 200-200 उन्होंने दे दे, 100 तुसी रख लो। इस तरह के रेड कलर के और कितने कपड़े आपके पास हैं? 5-6 माशाल्लाह। चौंक से दो इशारे टंगन लोकी।
और ये दोनों ने पहने हुए माशाल्लाह कैनेडा वाली साइड से जाओ ना कि किसी अनजान के घर से यो जहा लाल रंग का सालन पके मतलब मसाला ही कौन मैं क्या वो सालन कतल होया मुझे लगा बाबन से ये भी पूछेंगे शूज कितने आपके पास ये भी पूछना चाहिए लेकिन शाह जी मैं केड़ा बांदर किला खेलना अच्छा सखावत जब आप इस किस्म की छेड़छाड़ करते हैं कभी किसी शो में किसी किसी खातून से को बात कर ली तो बेगम साहब का इतराज होता है कभी आप पे पहले होता था अब नहीं अच्छा छोड़ दिया उन्होंने उनको पता लग गया इन्हें नहीं ठीक होना तो आप जिन लोगों में आपने काम किया जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि उनमें से कईयों की दो दो तीन तीन चार चार शादियां तो जी, आपकी बेगम कभी इनसिक्योर नहीं हुई कि भाई सखावत भी उन्हीं लोगों में उठते बैठते हैं क्योंकि ऐसी सारा हुआ है अच्छा फिर क्या हुआ था? लेकिन फिर यकीन दिलाना पड़ा कि कैसे यकीन दिलाते हैं आप कसम खा के तो कसम बेतबार आ जाता है उन्हें जाहिर है फिर आन करना तो पड़ेगा इतबार अच्छा। क्योंकि जब ऐसा ही नहीं शाह जी आजकल दौर है मीडिया का इतने सीरियस क्यों हो गए आप बेगम के जिक्र नहीं मैं दसना उन्होंने भी यकीन दुआ रहे हैं ना तो शाह जी अगर कोई ऐसा हो तो एक मिनट में बंदे का पता चल जाता है कि वीडियो आ गई कुछ हो गया कहाँ पर थे तो अल्लाह की रहमत से कोई है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से अच्छा यही वजह थी कि मैंने देखा था आप जब सेट पे आते थे कहते थे वीडियो बंद कर दो मतलब तुझे दस रहे हो हर खातून से पूछते हैं कि इस किस्म के कितने लिबास हैं फिर लड़ाई शाह जी मेरा कोई लंडे का कारोबार मैं जेड़ा पूछना भी मेरे को ले लो तुसी नहीं आपने उनसे पूछा ना नजब से हां वैसे मैं ये दो मेरे रेड आए मतलब दाएं बाएं है ना तो इसलिए जो कुछ पूछा उन्हीं से पूछा बच्ची से कुछ भी नहीं पूछा बच्चे आप भी बताओ आपके पास भी इतने प्रोग्राम्स के लिए अलग से शॉपिंग करनी पड़ती है तो रेड रेड ही लेते हो नहीं 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 बहुत से कलर्स के हैं लाइट भी हैं थोड़ी डार्क भी हैं शाह जी बैलेंस हो गया अच्छा भाई हदिया अब तो खूब पैसे कमाती होंगी अब माशाल्लाह हाँ जी अच्छा वेरी गुड वेरी गुड सर पीटीवी पे पहली बार जब गई है ना तो जिस तरह इनको गाना सुन के प्रोड्यूसर रो पड़ा तो जब उसने चेक दिया तो चेक दे के ये रो पड़ी तो कितने पैसे कमा लेती हैं आजकल आप मम्मी ने मना किया बताने से हाँ जी। नहीं ये तो कोई बात आज आपको बता के जाना पड़ेगा अगर कोई बड़ा प्रोग्राम हो तो 5 to 6 lakh 5 to 6 lakh ले लेती हाँ वड़ा मतलब 6 महीने दो यही वजह इस टाइप इस तरह की अच्छा बाबा यही वजह है कि सखावत भाई की भी बहुत कोशिश होती है किस तरह सिंगर बन जाए जी जी बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं खुल के पैसे बताने चाहिए शाह जी अल्लाह की रहमत से अभी नहीं अच्छा। इस वक्त में नहीं मगर एवरेज चले इस वक्त नहीं करी 1500-1520 के लिए इनमें से बड़े वाले कितने होते हैं बड़े वाले कितने होते हैं होते हैं क्योंकि 10-12 तो होते ही होंगे अरे 12-6 72 72 lakh तो ये हो गए तो इसमें कितने की कैंडी खा जाती हो खाती है दांत खराब हो जाते हैं ये देखना वो स्क्रीन पे आना जाता है क्या फिर तो ये 70-80 lakh रुपए का क्या करती हो तुम हां जी ये 70-80 lakh रुपए का क्या करती है गुड़िया पटोले बाबा मामा को दे देती हूँ वो मुझे चीजें लाकर देते रहते हैं जो अच्छा। मुझे चाहिए होता है क्या चाहिए होता है हादिया को कपड़े इनके मुझे कपड़े तो अब ज्यादा जरूरी नहीं और स्किन केयर भी बहुत ज्यादा जरूरी ओफो 14 साल की उम्र में आपको स्किन केयर का प्रॉब्लम है देखिए यार इनके मेकअप होता है ओ भाई गॉड हां स्किन की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको मेकअप करके आना होता है जी जी तो फिर इसलिए तो स्किन केयर तो ज्यादा जरूरी है एलोवेरा तो बूटे घर ला ले स्किन के चक्कर एलोवेरा बहुत अच्छा फेस के लिए ये देखो अच्छा स्किन के मामले में बहुत सीरियस है सीरियस अच्छा आपको कौन सी सिंगर पसंद है सब कॉन्टिनेंट में जो गाती हैं देखा जाए तो मैडम नूरजहां की मैं बहुत बड़ी फैन बहुत बड़ी फैन बहुत बड़ी फैन लेकिन अगर लेटेस्ट जो सिंगर्स हैं इनमें देखा जाए तो सर आतिफ असलम सर अली जफर सर अली बग्गा उनके साथ मैंने बहुत ज्यादा आर्मी के प्रोग्राम्स किए और जो लेटेस्ट में शाह जी खवातीन नहीं कोई आई सामने ये देखे ना अभी इसने किसी का नाम नहीं लिया क्योंकि है ही नहीं जी शाह जी पूछ रहे हैं नहीं नाम नहीं लेना चाह रही मुझे ज्यादातर ना मेल सिंगर ज्यादा अट्रैक्ट अच्छा, करते हैं ये मोमना मुस्तहसन या आयमा बेग या आपका नहीं ख्याल अच्छा गाती हैं नहीं बहुत अच्छा गाती हैं बहुत अच्छा गाती हैं लेकिन मेरी वाइब ऐसी नहीं है अच्छा बात है मेरी वाइब ऐसी नहीं मैं जरा हूँ सूफी सिंगर मैडम आबिदा परवीन जी
यार को हमने जा बजा देखा, वाह। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। यार को हमने जा बजा देखा। जी नजर, क्या है प्रोग्राम के अगले मरले? जी हमारा सेगमेंट है बूझो तो जाने, और जिसमें हम अपने गेस्ट और सेलिब्रिटीज से करते हैं रिडल्स पूछते हैं, और साथ ही साथ उनकी जहानत का होता है इम्तिहान। रेड कलर मुझे लगता है ये जो है बिल्कुल पास कर रहे हैं। रेड कलर के सवाल हैं। तो देखते हैं कि पहली रिडल क्या है। अच्छा भाई, ये आप दोनों के लिए है, ठीक है? हादिया 6 लाख रुपए का शो है, बड़े वाला शो है, ठीक है ना? किसी मुखालिफ ने आपको एक तहखाने में बंद कर दिया है, जहां से एक लिफ्ट जो है वो ऊपर जाती है, और उस लिफ्ट से फिर आप जा सकती हैं और उस शो में हिस्सा ले सकती हैं, और परफॉर्म करेंगी तो पेमेंट मिलेगी। सवाल भी, आप किस अदाकारा के साथ काम करना चाहते हैं? बड़ी ख्वाहिश है कि इसके साथ मैं परफॉर्म करूं। थिएटर की जो जो आप फिल्म हो, थिएटर हो, जो दीदार के साथ आपका यानी कि शो है, उनके साथ आपको मौका मिला है काम करने का, मगर हनी अलवेला ने आपको जनाब नीचे बंद कर दिया। हेलो सही लगे। अब आप भी लिफ्ट से ऊपर जा सकते हैं जी, मगर मसला यह है कि लिफ्ट जैसे ही आप खोलेंगे, वन में शार्क्स हैं, मछलियां हैं, जो कि आपको खा जाएंगी, निगल जाएंगी, चबा जाएंगी। नथी। और और दूसरी जो लिफ्ट है उसमें जनाब एक खूंखार शेर है, आदमखोर शेर है, जो है? जा रहे हैं। जो 3 दिन से भूखा है। हुई हुई। और तीसरी जो लिफ्ट है, अगर आप उसका बटन दबाएंगे, दरवाजा खुलेगा तो ज़ॉम्बीज हैं, क्योंकि मिथ है, ज़ॉम्बीज जो है लाज बात है हकीकी तो उसमें तो नहीं होते, लेकिन अगर हैं या कोई और दरिंदा है वो आपको निकल जाएगा। तो अब आप दोनों से सवाल ये है कि आप इस तहखाने से कैसे बाहर आएंगे? उधर 6 लाख रुपए का शो है, इधर दीदार के साथ काम है, जो हालात ने शो कैंसिल ही लग रहा था। मछलियां ने खा जाएंगे, उधर शेर है। वो आपने क्या बोले? शेर 3 दिन, शेर खूंखार खूंखार है और 3 दिन का भूखा है। शेर तो पहली बात 3 दिन भूखा रह ही नहीं सकता ना। नहीं नहीं, रह सकता है, अभी जिंदा है, जिंदा है, हाँ बिल्कुल। शेर भी 3 महीने का भूखा नहीं है, 3 दिन का भूखा है। अब अगर तुम्हारा सवाल अच्छा है, गुड पॉइंट, वो सामने वो ज़ॉम्बी है। जी अच्छा, मेरे पास कोई हथियार नहीं है उसको मारने के लिए, मैं खाली हाथ हूँ। बिल्कुल खाली हाथ। के पास बेटा कुछ नहीं होता, तो 6 लाख हैगा, वो जो 2 पिस्तौल ले ले। वही तो कुछ है ही नहीं। हाँ, इस वक्त कोई हथियार इस वक्त कोई नहीं होता। ओए ओए ओए, अच्छा जी, तो मछलियां वाला जेड़ा ये ठीक रहेगा ना? कुछ नहीं, तो बुखार मछलियां दो लिख ली, तो भी खा जाएंगी। जाहिर कर ले, मतलब मुंह तो देखो, आप फैसला कर ले, आप बता दें कि जी मैं इससे जाऊंगा, पता लग जाएगा। आप मशवरा कर सकते हैं चाहे तो किसी से, आप बताएं किस। अरे मेरा सवाल है, नहीं ये मशवरा आप इनसे भी कर सकते हैं। इधर करें मशवरा। नहीं फिर मशवरा करना तो इधर क्यों ना करिए। मुझे मशवरा ही करना है। अच्छा आप बताएं कैसी भाई, ये कौन सा रास्ता बेहतर है? मेरे ख्याल से सहाब भी आपको जो है ना, ये जो ज़ॉम्बी है ना, ज़ॉम्बी इधर से चले जाना चाहिए। तो वो ज़ॉम्बी की मेरी मासी का पुत्र है, वो नहीं कुछ कहेगा? उन्हें तो इन जाना, जिमें टीवी च लोड घट हो जाता है, चुप के तो रगड़ जाना, यदि तो एक बुरकी करनी उन्हें। क्यों लड़की? मैं सोच रही हूँ। वो सोच रही है, मैं खुआ भी देता है। तो मछलियां ने एक ने एक नू खा लिया और रज गई है, मैं इतों की चला जाऊंगा। नहीं ऐसा नहीं है, दोनों ने एक दूसरे को नहीं खाया, आपका वेट कर रही है। मेरा इंतजार कर रही है। आपका मछलियां भी इंतजार कर रही है, मैं हिसाब लगाए हैं। शाह जी तुहाडी सलाह ही नहीं सानू भेजन दी। आप बताएं कोई रास्ता। अच्छा आपको फाइट आती है? हाँ। तो आप ज़ॉम्बी से लड़ सकते हैं ना? ऐसे ही है ना? हाँ, अगर फाइट आती है तो। अगर उन्होंने मेरे तो ज्यादा फाइट आंदी हुई तो फिर फिर आपका उनका प्रॉब्लम है। वाला बेस्ट है। तो बताइए कौन सा रास्ता अख्तियार किया? शाह जी मेरी मासी का पुत्र सी, उन्होंने 20 साल ला के कराटे सीखे। हाँ। लड़न गया तो उन्हें फायर मारता अगो। बताएं जी कौन सा रास्ता? ज़ॉम्बी। एक आप, मैं भी उसी में जाऊंगा। आप भी उसी में जाएंगे, ठीक है भाई। ये रास्ता जो है ये ठीक नहीं है, अगर आप इस रास्ते जाएंगे तो आप कभी कहीं नहीं पहुंच सकेंगे। मैं फिर मछलियां वाला चला जाना है। हाँ, मछलियों वाला जो मतलब मछली वाला जो रास्ता है, मछलियां वाला जड़ा रास्ता है, वही वाहिद रास्ता है। उसकी वजह है कि ये जो दरवाजा खुल रहा है, हमने ये बताया, ये दरवाजा किसी समंदर की तरफ नहीं खुल रहा, किसी झील की तरफ नहीं खुल रहा, ये लिफ्ट का दरवाजा है।
तो जैसे ही दरवाजा खुलेगा लिफ्ट का क्या होगा? फारग हो गई होंगी, पानी निकल जाएगा ना। हाँ, पानी निकल जाएगा, मछलियां बह जाएंगी, तो आप आराम से अंदर चले जाइए। हाँ, जवाब आपको दुरुस्त था मगर तुक्का था। पढ़े लिखे बंदे तो यही प्रॉब्लम होती है, लेकिन ठीक तुम कह रहे थे लेकिन तुक्का था। तुमने इधर से बच तो जाना था लेकिन तुक्का था। हाँ, अगर सेंटर में जाते तो वहां तुक्का नहीं था। सखावत तुमने बहुत अच्छा भी काम किया उस दिन, ड्रामा मैंने देखा, तुमने हंसा हंसा के सबको पागल कर दिया, लेकिन तुक्का था। मैं कहा शाह जी मेरे रिक्शा वजह मेरे सट लगी, कहते कोई गल नहीं तुक्का था। अच्छा भाई अगली रिडल की तरफ बढ़ते हैं सखावत, अगली पहेली। हाँ भाई पढ़ो भाई। हाँ दिया। You can drop me from the tallest building and it will be fine. But if you drop me in water, I'll die. ठीक है ठीक है, but if you drop me in water, I die. वो कौन है जो बुर्ज खलीफा से भी नीचे गिरे तो बच जाएगा मगर पानी में गिरेगा तो मर जाएगा? क्या ये चूंटी? 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 ये कोई बर्ड हो सकता है? बर्ड हो सकता है, बर्ड हो सकता है, कबूतर भी हो सकता है। आपकी जहानत पे आफरीन है आप, एक करोड़ रुपए का इनाम देना चाहिए अगर आप ये समझती हैं कि बुर्ज खलीफा से परिंदा नीचे आएगा और मर जाएगा। वाह वाह, जिसका काम ही उड़ना है। ये आपके जहन में कैसे आया कि परिंदा जो है वो नीचे गिर के मर जाएगा? ये रेड कलर की वजह से आया है। ये क्या हो सकता है आप बताएं? यार हम भी बैठे हैं यहाँ पे, कुछ देर पहले आप बताएं। उन्होंने तो ऐसा बताया है कि सुभान अल्लाह। चलें आप बताएं चांद। आप बताएं यार चांद। वो परिंदा होगा। कमाल कर देता जी इन्होंने, मतलब सवाल करके तो बल्कि जवाब दे के। डड्डू नू कह रही थी पानी के अंदर तुम्हारा सांस तो नहीं गुम होता? इन्हें तो छत ड्रोन कैमरा आया तो उन्होंने भोरे पाउन लग पी। गधे को कह रही थी वजन खींच लेते हो भाई, वो तो काम ही हो। बांदर को कह रही थी ऐसे ऐसे कर लेते हो। मासूमियत थी ना। ड्राइवर ने कहते गड्डी चला लेना। कहना बाजी गुजराले मैं ही लेके आया दिता कि मुन्नू भाई साहब नू कहंदी सी कि अपना कॉलम लिखे। कैफी साहब आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से ये जो है ना सखावत भाई, मुझे ये कागज लग रहा है, कागज। हाँ तो कागज पानी में भीग जाए। हाँ भीग के तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, यही तो कह रहा हूँ। हाँ हाँ जी बताए, लॉक करें? जी लॉक करें, बिल्कुल डन करें। आज तो कैफी ने कमाल कर दिया जी, सुभान अल्लाह। कागज कैफी बहुत अच्छे कागज चुगते रहे हो भाई। जब मुझे शो में ना एज ज़हीन कास्ट किया गया, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। ज़हीन आदमी है ता इधर ड्यूटी पे लगी, चुप रहना तो सोचना। ज़हीन भाई बड़ी बात है, खुद लाइन देख जो आप इंजॉय करते हैं। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं सखावत नाज और हादी हाशमी, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं सखावत नाज और हादिया हाशमी। क्या है हमारे प्रोग्राम के जी? नेक्स्ट सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है। जी सखावत भाई, देखते हैं कि पब्लिक आपके बारे में क्या जानती है और क्या जानना चाहती है। रेडी? देखना जी। शाह जी तुसी तो नहीं दसे है ना? और आदिया के बारे में भी जी। सखावत आपका खाली नाम ही सखावत है या दिल के भी सखी है या फिर कंजूस मक्खी चूस है? कंजूस मक्खी चूस है, बाजी की बहुत ही सती है। नहीं बहना, नाम तो सखावत है लेकिन जितना बनता है उतना ही कर सकता हूँ। तो फिर कंजूस मक्खी चूस हुए? नहीं नहीं इतना हाँ। भी नहीं, वो भी नहीं हूँ, वो भी नहीं। हाँ, जब ना सखी है ना कंजूस है, जब पास है तब सखी हूँ, नहीं है तो कुछ भी नहीं। और अमूमन यही कहता है लोगों से कि यार आजकल है नहीं। जी
मेरा सवाल हादिया से है कि आपको कॉन्सर्ट की पेमेंट मिलती है या चॉकलेट? ऑब्वियसली पेमेंट मिलती है, वो तो बता दिया 6 लाख उसके, फिर चॉकलेट ले लेती मैं ज्यादा वो चॉकलेट्स वगैरह नहीं खाती। अच्छा, हाँ जी, दांत खराब हो जाते हैं। हाँ जी, क्योंकि स्क्रीन पे आना तो फिर क्या दांत के वगैरह ने जमे। एक बंदे ने ना गाना सुनाओ, कहना मेरी उंगल दुखदी, लगे गाने ने उंगल का की कत्ता लगे, कहना मैं कान च लै के गाना। सखावत नाथ साहब, मैंने सुना है आप अपने बच्चों को तबले की जोड़ी की तरह बुलाते हैं, एक का नाम तामा और दूसरे का नाम पूरा रखा हुआ है, तो क्या आपकी बेगम, आपकी सोचा आपको प्यार से ढोल बुलाती है? हाँ जी, ढोल तो नहीं कहती, सियासी शिकायत लाने वाले। अच्छा, जो दोनों छोटे बेटे ने ना मेरे, हाँ, आप इतनी छोटी उम्र से गा रही है, तो जब आप गाना गाने जाती थी तो आप अपनी गुड़िया और अपनी डॉल्स वगैरह टॉयज वगैरह साथ लेके जाती थी? पहले मैं लेकर जाती थी। वाकई? हाँ जी, क्योंकि तब मुझे ना तब इतना नहीं था म्यूजिक से, मैं बस होता था कि आज जाऊं गाऊं और सो जाऊं, गाऊं और बस सो जाऊं और गुड़िया के साथ। हाँ जी, अब मैं पूरा फोकस करके गाती हूँ और मुझे जब मैं गाने लगती हूँ ना, मैं किसी की तरफ नहीं देखती, और पहले तो मैं अपने परफेक्ट करूँ सारा काम। पहले तो आधा गाना गुड़िया गाती थी और बटन दबा के चल छैया छैया छैया। जी आगे बढ़ते। सखावत नाथ साहब, इतनी जल्दी बीवियाँ अपना मूड चेंज नहीं करती जितनी जल्दी आप अपना चैनल चेंज कर देते हैं, ऐसी क्या चुल है आपको? को बीवी दे सत्या लगता। असल च पाजी ये कि तुम घर समान ना लेके जाओ राशन का, तो बीवी किवें नहीं मूड चेंज करती, तो इस तरह समान राशन का ना मिले तो असं भी मूड चेंज कर दे। जी आगे बढ़ते। सखावत नाथ साहब, आपको बड़ी बार ऑफर की AR रहमान ने कि आप उनके लिए गाना गाएं, लेकिन आपने बड़ी बार रिफ्यूज किया उनको कि मैं गाऊंगा तो चाहत फतेह अली खान के लिए, ऐसा क्यों? क्योंकि चाहत फतेह अली गाना नहीं आता, मैं क्या वो फिर मैं गा दिना, क्योंकि ऐसा भाजी वो भी सिंगर है दसो वखरे, जिमें इल ने स्यापा किया वार गेंज न, और नवा ही गाना गाई जाता, उन्होंने कौन सुनता शाह जी, मैं बंदा विखा सकते शाजी यहो जे बंदे रिछ ना लड़ रहे हैं, मेरी रोटी तू खा गया। चाहत फतेह अली खान तुहानू सिंगर लगता भाजी? नाज़रीन, स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद है सखावत नाथ साहब, हमारे साथ मौजूद है हादिया जी, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली सखावत नाज और हादिया हाशमी। सखावत भाई, ये बताएं कि इतना आपने पैसा कमाया माशाल्लाह, इस कदर नाम आपने कमाया, शोहरत कमाई, लोगों को हंसाया, खुश किया, मगर खुद कभी उदास हुए जिंदगी में? कोई ऐसा मोमेंट जो उदास कर देता हो, आंखों में आंसू आ जाते हो? जी शाहजी, मेरे ख्याल में ये तो पैसे लेट हो जाए माँ बाप को याद करके उदास हो जाता हूँ। शाहजी, जब वो घर से निकलता था ना, तो माशाल्लाह पीछे से ऐसे लगता था कोई दुआएं पीछे कुछ चीज है। हम उस जमाने में इकट्ठे काम कर रहे थे, जब आपकी वालदा का इंतकाल हुआ था, तो वालद साहब फौत हुए, तो फिर ये लगा कि ऊपर से ना सूरज पड़ना शुरू हो गया, तो पीछे से ठंडक है, माँ जिंदा थी। जब वालदा फौत हुई तो उनको दफनाने के बाद जब मैं घर से निकला, तो शाहजी आप यकीन करें, सचमुच मुझे यूं लगा कि पीछे कोई नहीं है। अल्लाह, तो वो जब लम्हा याद आता है तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता। वालदा से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी? जी हाँ, वालद साहब और वालदा से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत खिदमत की उनकी। कैसे रिएक्ट करती थी जब आप, जैसे होता है कि बाज़ वक़्त बच्चे कमा के लाते हैं उनको देते हैं, या आपका शो देखती थी या कोई फिल्म चली? मुझे सबसे अच्छी जो बात अपनी माँ की लगती थी, वो मेरे निक नेम से मुझे बुलाती थी, पप्पू। अब पप्पू बुलाने वाला कुछ, वो काफी अर्सा गुजर गया, वो आवाज ही नहीं आई, तो डिस्टर्ब हो जाता। लेकिन फिर
उस पप्पू की आवाज को मिस करते हैं जी। तो अब अल्लाह ताला ने मुझे जो बेटी दी है वो बिल्कुल मेरी अम्मा की शक्ल की और मैं उसको अम्मा ही कहता हूँ। वो भी कभी कभी इसी की तरह ना दुपट्टा यूं पहन के कानों से ये करके देखे वे पप्पू की कारण है। अरे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थिएटर पे ऐसे ऐसे वाकयात हमारे बड़े फनकारों के साथ भी हुए कि घर में भाई की माँ की बाप की मैयत पड़ी है तो वो शो कर रहे हैं, तो इस तरह मैंने भी ये लम्हात देखे। अच्छा ठीक है। एक मरतबा तो ऐसा हो गया कि मैं डिस्टर्ब था, छोटा भाई जब साजन से छोटा वो फौत हुआ तो इतना डिस्टर्ब है, ईद के शो थे यानी टरू के दिन वो फौत हुआ तो हम शो पे थे, ईद का शो किया, टरू के दिन जाके उसको दफन करके फिर आगे शो, क्योंकि वो हेल्दी शो होते हैं बड़े तो करना पड़ा आगे। तो जब मैं कर रहा था तो पब्लिक में से एक बंदा डिस्टर्ब कर रहा था, तो शाह जी लाइफ में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि मैंने ऑन सेट स्टेज पे उसको गालियां निकाल दी, डिस्टर्ब इतना था दिमाग, क्योंकि उसने भी ऐसी बदतमीजी की थी आगे से, तो वो फिर एक मसला बन गया थिएटर पे, पूरा हंगामा, पब्लिक एक साइड पे हो गई, आर्टिस्ट एक साइड पे हो गए, फिर विक्की भाई थे उसमें काफी बड़े फनकार थे, उन्होंने सबने जाके कहा कि यार आर्टिस्ट खुद भी किसी प्रॉब्लम में होता है, उसका भाई फौत हुआ है, एहतराम भी उस टेंशन में है बेचारा, फिर आप ऐसे जुमले कस रहे हैं। ख्वाब क्या है आपका, आप जिंदगी को कैसे देखते हैं, आगे कहाँ पहुंचना चाहते हैं? बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा देखना चाहता हूँ। कहाँ देखना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरे बेटे नामवर हों, बेटी भी पढ़े लिखे हों, मतलब अपनी मर्जी से कोई अच्छा करना चाहे तो वो कर सकते हैं। आपके शोबे में आए वो जो चाहे। अच्छा वेरी गुड। लेकिन मेरी एक बाप की तो ख्वाहिश होती है कि मेरा वो नाम किसी में है, पोटेंशियल आपको लगता है कि यदि दम में गए? हाँ माशाल्लाह सब में ही है। अच्छा अब वो छोटे है ना, दोनों ट्विन्स है मेरे, वो पिछले दिनों हमारा झगड़ा हो रहा दोनों मियां बीवी को, तो हम ऊपर ना कमरे में पिछले दिनों भी है तो झगड़ा हो रहा, तो वो दोनों ट्विन्स है तो ऊपर हम बोल रहे हैं, तो वो छोटा एक को कह रहा, कहता ये क्या हो रहा है, कहता पापा लड़ रहे हैं मम्मा से, कहता यार इस बंदे का मैं क्या करूं। जी नजर क्या है प्रोग्राम के अगले बंदे? हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का नाम है गुगली। गुगली जी सहाद भाई, तो आप तैयार है गुगली के लिए? गुगली वो अब्दुल कादर साहब। हाँ अब्दुल कादर साहब, यार अब्दुल कादर साहब याद आ गया, कादर भाई की याद में ही रखी है हमने, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो तैयार है हाजिर गुगली के लिए, पहली गुगली देखते हैं। अच्छा सहाद भाई, सारे आपके दोस्त हैं, पाकिस्तान के पहचान है, पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट हैं सारे के सारे, हमारे भी दोस्त भी हैं, कोलीग भी हैं सबके सब। ये बताइए इफ्तिखार भाई, नासिर जिनोटी साहब, जफरी भाई और नसीम विकी साहब, ये अगर फनकार ना होते, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट ना होते तो इस वक्त क्या होते, माजी में छोड़ देंगे क्या थे? ठाकर भाई को तो मैं पहले भी कहता था, अगर आप एक्टर ना होते तो आप मदारी के साथ नेवला बन के जाते। नासिर जिनोटी साहब और नासिर भाई अगर माशाल्लाह फनकार ना होते तो मुंह च मछियां रख के दे ही दे। जफरी खान साहब, जफरी खान साहब अगर फनकार ना होते तो कार्टून होंगे। नसीम विक्की साहब, विक्की साहब माशाल्लाह जेड़ा काम करते सी ना नान लाउंदे सन। अच्छा अगेन ये चारों पाकिस्तान की पहचान है, अगेन पूरे सब कॉन्टिनेंट में, पूरी दुनिया में लोगों को हंसाते हैं। आप ड्रेसिंग रूम में गए जी, ठीक है, इकट्ठे सब शो कर रहे हैं, आप ड्रेसिंग रूम में जैसे ही गए हैं, आप एक ही वहां पे कोट टंगा हुआ है, आपने कोट उठाया, उस कोट की जेब में ऐसा क्या है जिससे आपको पता चलेगा कि ये हनी का कोट है, बब्बू का कोट है, कैसर का कोट है या अमानत चंद साहब का कोट है? हनी के कोट में से क्या बरामद होगा? कोई लेडीज चीज वही होगी, बरी कंगी होगी, अच्छा पोनिया होंगी। तो फिर पता चल जाए ये हनी अलबेले, हनी अलबेले का। अच्छा जी, और बब्बू के कोट से क्या निकलेगा? कुआली लिखी हुई को निकला। अच्छा जी, कैसे पिया साहब के? अच्छा ये गुगली सी बेचे जबली भी बजी। और कैसर ने भी आना है अगले हफ्ते, कोई टेंशन नहीं पड़ा है बच्चा। कैसर भी अपनी मतलब जगह पे ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं वो तो है, निकलेगा क्या कोड? इसके कोड पहचान क्या है? सोडे वाली बोतल। बोतल पीने का बहुत शौकीन है? नहीं नहीं बेचता था। अमानत चंद साहब, अमानत चंद साहब कोड मेला होएगा देना था। <laughs>
अच्छा जी, अगेन वही बात है, ये चारों फनकार हैं माशाल्लाह अपनी जगह पे। अब ये भैया हंसाने के लिए आपको बात की गई है, दिल पे मत लगाइए। और अगेन एक मर्तबा फिर आपके लिए और इन चारों दोस्तों के लिए बात, बड़े लोग हैं लोगों को हंसाते हैं। अगली गुगली। अच्छा सखावत, ये चार मारूफ हीरोइंस हैं और आपको तो इंडियंस बहुत आजकल कास्ट करते हैं, पीछे पीछे होते हैं आपके। ये हैं सीमी, तानिया, सोनम बाजवा और सरगुन मेहता। इनमें से किसके साथ फ्री काम करेंगे, किसके साथ आप, अगर आपको फिल्म की ऑफर हो तो बहुत पैसा मांगेंगे जो कि आप हमेशा मांगते होते हैं, और किसके साथ आप इनकार कर देंगे कि नहीं मैं बिजी नहीं हूँ, मैं मुजाकरात में ही खुश हूँ? शाह जी मेरा ख्याल है ये जितनी भी माशाल्लाह फनकार हैं इनके सबके साथ फ्री काम करूंगा। नहीं, फ्री तो नहीं करूंगा लेकिन काम करूंगा। काम करूंगा, ठीक है। सरगुन मेहता जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, इनके साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ, ठीक है। हमारी एक फिल्म थी जिंदवा जो कनाडा में शूट हुई थी, लेकिन बैड लक कह सकते हैं उस वक्त फनकार और पाकिस्तान और पंजाब के फनकारों, इंडियन फनकारों का मसला बन गया था, हमारे फनकारों को उधर वापस भेज दिया गया था यहाँ पे। अच्छा। तो उस वजह से फिल्म में से मेरा सारा रोल मतलब उनको निकालना पड़ा रिलीज के तौर। अच्छा। पे जब रिलीज करनी थी फिल्म तो उन्होंने बड़ा अफसोस का इजहार भी किया था डायरेक्टर साहब से, क्योंकि एक लिंक का रोल था, इमिग्रेशन ऑफिसर का रोल था मेरा और पाकिस्तानी था। तो जिमी शेरगिल जी, नीरू बाजवा जी और सरगुन मेहता जी, तो इनके साथ काम करना मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा। फ्री तो किसी के साथ नहीं करूंगा। कराना कराओ, नहीं कराना ना कराओ। लेकिन चलिए अगर चारों के साथ एक साथ ऑफर आ जाए तो किसके साथ काम करेंगे और बाकियों को माजरत कर लेंगे? तो फिर चारा नाल ही कर लेंगे। नहीं, चारों के साथ कर नहीं सकते, स्क्रिप्ट वो लिखे ना। एक खाम में चार वोटिंग है। अगर ये चॉइस ना हो, सिर्फ किसी एक के साथ चॉइस और बाकी को इनकार करना पड़े, तो किसके साथ करेंगे? तो शाह जी ये जो सोनम बाजवा ना, इसके साथ काम, इसके साथ करेंगे। बाकियों को कहेंगे कि नहीं? तो सोनम बाजवा के साथ करेंगे, सरगुन, तानिया और सीमी को इनकार कर देंगे? नहीं, इनकार नहीं करूंगा शाह जी, अगलियां फिल्मा होना ना कर लें। नहीं, काम में करना है यार, फनकार आदमी का काम है काम करना, इनकार नहीं होना चाहिए शाह जी। जैसा भी रोल हो, जैसा भी काम हो, करना चाहिए, लेकिन पैसे नहीं छड़ांगा है सीधी। थैंक यू सो मच सखावत, आप तशरीफ लाए, बहुत खुशी हुई, हमेशा आपको देख के अच्छा लगता है। हमारी दुआएं हैं ऐसे ही हंसते रहें, ऐसे ही लोगों को हंसाते रहें, खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हादिया, आप आई, आपको भी अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे, बहुत नाम पैदा करें, अपना, अपने मम्मी बाबा का और पाकिस्तान का है। वेल डन, थैंक यू सो मच। बेटा शो तो देर हो जाए तो रोन तो नहीं लग पाऊंगा? मैंने घर जाना है, एक शो तो जाके रोन लग पी, मैं गुआच गई है। क्लोजिंग करनी है और क्लोजिंग तो करनी है जी। आप जरा बताएं और परिंदे कौन से जो गिर के नहीं टूटते? राय साहब नु कहंदे तुसी फिल्मां चाहुंदे हो। मैराडोना नु कहंदे गोल करना आउंदा। ये था आज का जबरदस्त। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।